तो इस पर अभिलंब कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ये है वह कुछ और नहीं, तो ये है हमारा दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही आसान सा डेरिवेशन लेकर आए हुए हैं। देखिए, ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, वो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है, आपको भले ही दोस्तों यहाँ पर हार्ड लगता होगा, लेकिन हमने कहा आसान है, मतलब कि हम आपको आसान तरीके से चीज़ें बताने वाले हैं और कुछ स्टेप्स बताएंगे, बस उन्हीं को आपको समझना है, बाकी तो चुटकियों में हो जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक पेन कॉपी के साथ देखिएगा और आसान है क्यों कैसे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने आज का ये बेहतरीन वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एक प्रिज्म बना लेंगे, ए बी सी, मान लीजिए हमारा एक प्रिज्म है हमारा। ठीक है, जहाँ पर प्रिज्म जो कोड होता है, प्रिज्म का जो कोड होता है, ये कोड होता है हमारा प्रिज्म कोड। ठीक है, चलिए हमें निकालना क्या है, पहले आते हैं निकालना क्या है, रास्ता किधर जाना है हमें, पहले ये तो पता होना चाहिए। देखिए, हमें निकालना है इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक कैसे आएगा, अब कैसे आएगा, देखिए अपवर्तनांक का एक ही फॉर्मूला आपको अभी तक हमने बताया है, स्नेल के नियम में साइन आई बटे में साइन आर। स्नेल के नियम में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, साइन आई बटे में साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक के। किसी भी पदार्थ पर अगर अपवर्तन होगा तो वहां पर साइन आई बटे में साइन आर म्यू के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, जहां पर म्यू आपका क्या होता है, जहां पर किरणें पड़ रही है, मतलब ये प्रिज्म, और प्रिज्म का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हमें यही तो चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मतलब हमें करना होगा क्या, हमें करना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन, इस प्रिज्म पर करना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रास्ता क्लियर हुआ। अब जब अपवर्तन करेंगे, अपवर्तन करने के बाद हम कैसे ना कैसे कर आई का मान और आर का मान निकालेंगे, एक साइन आई और एक साइन आर, इन दो वैल्यू को निकालेंगे और यहां पर रख देंगे, तो हमें म्यू का वैल्यू स्टूडेंट्स मिल जाएगा। रास्ता क्लियर हो गया और कितने आसान तरीके से आगे सब फिनिश हो जाएगा, आप देखते चलिएगा। ठीक है, सो आइए पहले हम प्रकाश को डालते हैं प्रिज्म पर। ठीक है, सो चलिए ये प्रकाश किरण लीजिए, हमारी इस प्रिज्म पर आकर पड़ गई। ठीक है, अब प्रिज्म पर आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो क्या होने वाला है, अपवर्तन होने वाला है। ठीक है, और अपवर्तन आप सभी ने सीख रखा है हमारे वीडियो से, अपवर्तन कैसे होता है, हमेशा कहा हमने, जहां भी अपवर्तन हो वहां पर अभिलंब पहले बना दीजिए। तो ये इस तरीके से रेखा पर अभिलंब कैसा होगा, ऐसा होगा अभिलंब, तभी ना लंबवत होगा स्टूडेंट्स, जब तक आप देखो, समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लिया कि ऐसा ही बनेगा। अभिलंब का मतलब होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री पर, एकदम 90 डिग्री पर हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, ऐसे है, तो इस पर अभिलंब कैसा होगा, ऐसा होगा ना, तभी ना 90 डिग्री कोण बनेगा। इसी तरह हम कह रहे हैं कि इस बिंदु पर अभिलंब कैसे बनेगा, आप ऐसे बनाओगे तब जाकर दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे अभिलंब बना। सो अब कर दीजिए किरणों का अपवर्तन। ठीक है, ये किरणें आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। और स्टूडेंट्स, वायु से कांच में आ रही है, तो हमने क्या बताया था, जब वायु से कांच में आएगी तो गति धीमी हो जाएगी और वो किरण झुक जाएगी अभिलंब की तरफ, तो धीमी हो जाएगी, तो अभिलंब की तरफ इस तरीके से मान लो झुक गई। ठीक है, जहाँ हमारी ऐसे रही थी, देखो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन अभिलंब की ओर, इस अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बिंदु हो गया, अब दूसरा बिंदु पर आते हैं। अब किरण दोस्तों हमारी ऐसे जाएगी इधर से उधर, अब इधर से इधर आ गई, अब इधर से बाहर भी तो निकलेगी। ठीक है, सो बाहर निकलेगी, तो स्टूडेंट्स अब हमारी कांच से निकलेगी बाहर वायु में, अब उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा अब यहाँ पर इस बिंदु पर, तो उल्टा कर दीजिए, पहले तो अभिलंब ही बना दीजिए। ये देखिए अभिलंब बना दिया हमने, शायद सही नहीं बना है, ऐसे स्ट्रेट होगा ना बिल्कुल, इधर की लंबवत लंबवत ऐसे, तो ये अभिलंब होगा। चलो ये अभिलंब हमारा तैयार हो गया। अब इस अभिलंब की ओर दोस्तों अब क्या होगी, झुकेगी नहीं बल्कि इस अभिलंब से दूर चली जाएगी, जा रही थी ऐसे लेकिन अब दूर होकर जाएगी थोड़ा सा हट के। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा किरणों का अपवर्तन।
ठीक है। एंड जिस तरह इस वाली किरण को आगे बढ़ाया, इसी तरह इस वाली किरण को भी आप पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये पीछे बढ़ा दिया। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा दो कटान बिंदु हमें दिखे, एक ये कटान बिंदु, एक ये कटान बिंदु, क्लियर, समझ में आया आपको। ये वाला जो कोण होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो कटान बिंदु है ना, इस पर फोकस करिए। ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर, ये वाला जो कोण बनता है, ये हमने कर दिया पेंट, ये कोण होता है डेल्टा। डेल्टा आपका होता है विचलन कोण, यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा बराबर होता है विचलन कोण, विचलन कोण हम लिख नहीं रहे, आपको अभी समझाएंगे डेल्टा के बारे में। विचलन कोण मतलब कि कितना भटक गया, जैसे कि आप जा रहे हो स्कूल लेकिन आपका मन किया कि भूख लगी है जरा कैंटीन में चले जाते, तो आप कैंटीन के रास्ते पे चले गए, जा रहे थे स्कूल लेकिन कैंटीन के रास्ते पे चले गए, तो इधर की जगह पर आप इधर चले गए, तो जितना भी आपका विचलन हुआ कोणों में वो आपका हो गया विचलन कोण। इसी तरह देखिए प्रकाश किरण तो हमारी ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे ना जाकर वो इधर चली गई, फाइनली अंततः किरण हमारी ऐसे जा रही थी शुरुआत में, लेकिन लास्ट में देखा गया किरण तो ऐसे चली गई, जा रही थी ऐसे लेकिन ऐसे चली गई, मतलब जितना भी विचलन हुआ, जितना भी भटका हुआ कोणों में, वो हो गया विचलन कोण, ठीक है। चलिए सो अब आइए जरा कोणों की बात करते हैं यहाँ पर, फिर डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए तो देखिए हमेशा जो कोण होता है, कोणों में जिसको भी दिक्कत हो हमेशा कोण अभिलंब के साथ बनता है अपवर्तन में। अभिलंब है, अभिलंब के साथ कोण बना, अभिलंब दिख रहा है, अभिलंब के साथ कोण बना, अभिलंब दिख रहा है, अभिलंब के साथ कोण बनाइए, यहाँ पर अभिलंब के साथ कोण बनाइए, ठीक है। और कोणों के नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए हमारा आई है, ठीक है, ये वाला हमारा आई टू है, ये अंदर में दो कोण बन रहे हैं, इसको नाम दीजिए आर वन, इसको नाम दीजिए आर टू, ठीक है। बाकी ये कोण हमारा डेल्टा है और ये प्रिज्म कोण ऑलरेडी है ही हमारा, ठीक है। चलिए तो जब बस और कुछ बचा ही नहीं है, सबको इरेज करते हैं और अब हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं बहुत आसान तरीके से, बस लास्ट तक बने रहिएगा आप, मज़ा ही आ जाएगा आपको, ऐसा शायद ही किसी ने बताया होगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए दो लेवल हमने तैयार किए हैं इसको आसान बनाने के लिए। उन दो लेवल पे आने से पहले हम यहाँ पर पहले नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर कटान बिंदु है, ये बिंदु है दोस्तों, इन सभी का नाम लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, ई एफ जी एच, आप लिख सकते हो अपने मन से। स्टूडेंट्स बिंदु में कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, डेरिवेशन में सब कुछ रखा है। तो हम पी क्यू आर और एस, ये हमने दोस्तों नाम दे दिया। अब हम आते हैं दो लेवल्स पे, जिससे आपको ये डेरिवेशन बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। देखिए हमने दो लेवल तैयार किए हैं, पहला जो लेवल है स्टूडेंट्स वही है डेल्टा का मान निकालना यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप मोबाइल्स में गेम खेलते हो, आपका टारगेट रहता है कि आज इतने लोगों को मारना है, ठीक है, उस तरह पहला टारगेट है डेल्टा निकालेंगे, ठीक है। और कैसे निकालेंगे दोस्तों, गेम आपका जो खेलना है ना, लेवल वन का जो गेम है डेल्टा निकालना है, और यही छोटे चतुर्भुज से निकलेगा, ये जो छोटा चतुर्भुज दिख रहा है ना, स्मॉल वाला जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है, इस चतुर्भुज में ही आपको गेम खेलना है और डेल्टा निकालना है, ठीक है, साथ मिलकर निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए। एंड देखिए जो सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकेंड लेवल में आपको बड़े वाले चतुर्भुज को देखना है, ये बड़ा वाला चतुर्भुज जड़ा चील के आके रखिए, और ये छोटा दिख रहा है तो क्या आपको इसके 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 ऊपर जो जिसका हाथ है दोस्तों, इसके ऊपर इस एक हाथ है ना, तो ये वाला आपको बड़ा चतुर्भुज नहीं दिखा, तो सेकेंड लेवल का जो गेम है इस बड़े चतुर्भुज में खेला जाएगा, ठीक है। सेकेंड लेवल का जो गेम है आगे देखेंगे ना, बिग चतुर्भुज में हम प्ले करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपवर्तनांक का व्यंजक हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स, और कुछ है ही नहीं, बस ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। सो चलिए आइए सबसे पहला लेवल पे आते हैं, यानी कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, छोटे वाले चतुर्भुज में लिखेंगे यहां पर, यहां चतुर्भुज लिखते चलिए हमारे साथ, कॉपी पेन लिए रहिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में डेल्टा का मान हमें चाहिए दोस्तों, ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा हमें लिखनी है यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए आसान तरीके से आपको बताते हैं, ये छोटा चतुर्भुज हम आपको जूम करके दिखाते हैं,
जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। थोड़ा सा आप भी माइंड लगाइएगा, देखिए ये छोटा चतुर्भुज हमारा है इस तरीके से, ये है हमारा छोटा सा चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यही है हमारा, जहाँ पर एक बीच में ऐसे लाइन गई हुई है, ठीक है, ये कोण है आर वन, ये है आर टू, क्लियर, और ये लाइनें को ऐसे ऐसे खींच देंगे आप सभी, ऐसे और ऐसे खींच देंगे तो एक कोण ये भी बन रहा है हमारा आई, और इस लाइन को भी ऐसे ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों कोण बन रहा है, देखो आई टू बन रहा है ना, और R1, R2 सब कोड यहाँ पर हमने दिखा दिया इधर इधर, और ये चतुर्भुज यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। आपको बस क्या निकालना है, ये वाला कोड आपको निकालना है डेल्टा, ठीक है। सो ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकल कर आएगा, ये जो डेल्टा होगा ना वह ये वाले कोड और ये वाले कोड का योग होगा। जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे वह जरा समझ गए जाएंगे कि जिस लाइन को खींचा है वहाँ वाला कोड को छोड़कर बाकी दो कोडों का योग के बराबर होता है, ये ब्राहा कोड बोलते हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में से। ब्राहा कोड क्या होता है, जिस भी भुजा को खींचा गया वह अपने बगल वाले को छोड़कर बाकी दोनों कोण के सम के बराबर होता है, यानी अगर ये हमारा स्मॉल ए है ये स्मॉल बी है तो डेल्टा आपका किसके बराबर होगा, आपका ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। ये त्रिभुज का एक नियम होता है, ब्राहा कोण हमेशा अपने बगल वाले को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो बस हमारा फोकस रहना चाहिए ए और बी को निकालने में, जो कि आप शायद माइंड लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये अगर आई कोण है तो इसके शीर्षा विमुख कोण ही तो है ये वाला पूरा, ये अगर आई है तो ये भी तो दोस्तों आई ही होगा शीर्षा विमुख कोण, ये अगर ए है तो ये भी वही होगा, यहाँ पर आई है तो ये वाला भी पूरा दोस्तों आई होगा, उसमें से अगर आर वन को घटा देंगे तो ए हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए कैसे निकाला, हमने आई में से आर वन को माइनस कर दिया, क्लियर, समझ गए आप सभी। एंड इसी तरह बी कैसे निकालेंगे, इसी तरह बी का वैल्यू कैसे आ जाएगा, देखिए बी कैसे आएगा, ये अगर आई टू है तो ये पूरा भी दोस्तों आर आई टू होगा, हमें केवल बी चाहिए तो आर टू को वहाँ में से घटा दीजिए उसमें से, ठीक है। तो I2 में से अगर हम R2 घटा देंगे तो हमें ये B मिल जाएगा, क्लियर, यही करना था। तो पहला लेवल बस हो गया, यहाँ पर छोटा सा माइंड लगाना था, थोड़ा सा A को रख दीजिए यहाँ पर, ये क्या है हमारा I माइनस R1, ठीक है, I माइनस R1 प्लस में B को रख दीजिए I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, ठीक है, फिर इसको इरेज कर दीजिए। ये कैलकुलेशन था जो माइंड में करना था, ये सब कैलकुलेशन था जो माइंड में करना था, ये सब कुछ कैलकुलेशन था जो माइंड में करना था, ठीक है। आपको तो बस ये डेल्टा का मान लिखना था, शायरी बन गया क्या, हो सकता है कभी कभी बन जाता है आपके साथ वीडियो बनाते हुए। डेल्टा बराबर फाइनली क्या हो गया हमारा, आई प्लस आर आई टू, आई प्लस आई टू, और माइनस में माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस में R2 बन जाएगा हमारा ये दोनों, ठीक है। तो ये आप दे दीजिए इसको नाम, इसको भी कुछ नाम दीजिए, समीकरण नंबर एक जो हमने फर्स्ट लेवल में निकाला। अब आते हैं सेकेंड लेवल पे, सेकेंड लेवल में आपको सेकेंड चतुर्भुज बड़ा वाला चतुर्भुज के साथ गेम खेलना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अब चतुर्भुज ए क्यू आर एस, यही है ना हमारा ए क्यू आर एस, ये ए क्यू आर एस बड़ा चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज में हम क्या करने वाले हैं, देखिए यही चतुर्भुज है, ड्रॉ कर देते हैं पहले, यही चतुर्भुज है हमारा, ये दो लंबे लंबे भुजाएं एंड फिर ऐसे छोटा सा ऐसे चला गया है, क्लियर, और ये है ए क्यू आर एस स्टूडेंट्स, ठीक है। जहाँ पर दो चीज़ें आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, झूठ मत बोलिएगा, हमने बता रखा है कि ये दोस्तों अभिलंब गया हुआ है, तो अभिलंब दोस्तों इस वाले ये आपका अभिलंब गया हुआ है, इस तरीके से अभिलंब है ये दोनों, जो कि ए पर ही है अभिलंब, तो इसलिए ए के साथ जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, याद रहे, भूलिएगा मत, शुरुआत से ही हमने बताया। चलिए ओके, और ये हमारा बीच में काट दीजिए R1,
आर टू में, ठीक है। देखिए हमने कह दिया ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है, 90 है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहला पॉइंट से आपको लिखना है कि अगर हम कोण ए को उसके सामने वाले कोण आर में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको। आप कहोगे सर चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 मिलता है, लेकिन दो कोण हमारे 90-90 है, ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, इसको घटाएंगे तो 180 आया, मतलब कि ये जो है वो 180 के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, चलिए आपने बिल्कुल सही बताया। अब एक और क्वेश्चन मेरे आपसे है कि चलिए आपने चतुर्भुज में गेम खेला कि चतुर्भुज की चारों भुजा का योग 360 होता है, 90 है हमारे घटा दिया 180 जो कि बाकी दोनों के योग के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ये छोटा सा त्रिभुज में देखिए जरा, तो यहाँ पर भी कोण आर है, यहाँ पर आर1 है आर2 है, त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में जरा देखिए आर1 आर2 और ये कोण आर दिख रहे हैं आपको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तीनों को जोड़िए। आप क्या कह रहे हो सर, मतलब R1 को जोड़ दे, R2 को जोड़ दे और ये कोण R जोड़ दे, तो आप कहेंगे कि ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब कि ये आपका कितना है स्टूडेंट्स, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इन दो को जरा गौर करिए और माइंड में सोचिए कि क्या रिजल्ट मिला, इन दो को गौर करिए जरा पॉज करके, ये आपको क्या रिजल्ट मिला इन दोनों समीकरण को देखकर, सोच लिया। आइए हम आपको बताते हैं, इन दो समीकरण को देखा तो मुझे भी एक चीज दिखा कि ये भी 180 ये भी 180, यहां पर भी कोण आर यहां पर भी कोण आर, सेम टू सेम, लेकिन अलग क्या है, यहां पर कोण आपका ए है, यहां पर दोस्तों ए की जगह पर आर वन प्लस में आर टू है, समझे, मतलब कि कोण ए आपका R1 प्लस R2 के बराबर है, ये रिजल्ट हमें मिला जब हमने गेम खेला बड़े चतुर्भुज में, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये समीकरण, मान लो दो ये तीन लिखेंगे आप कि समीकरण दो व समीकरण तीन, दो और तीन से हमें एक रिजल्ट मिला कि जो कोण ए है वह कुछ और नहीं बल्कि R1 प्लस R2 के बराबर है, डैट इज़ द फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट जो हमें मिला इस रिजल्ट के बाद, सेकेंड रिजल्ट हमें ये मिला स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको भी चलो नाम देते हैं समीकरण नंबर चार। अब देखिए, अब इस समीकरण नंबर चार को आप समीकरण एक में रख दीजिए, क्योंकि देखिए R1 प्लस R2 यहाँ पर दिख रहा है समीकरण एक में, तो ये हमारा निकला, इसको उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, फिर डेरिवेशन आपका बस आगे हम बता देंगे, आई भी निकल जाएगा आर भी निकल जाएगा, स्नेल के नियम में रख देंगे, म्यू भी आपका आ जाएगा, ठीक है। बस अब यही दो लेवल्स थे जिसमें आपको प्ले करना था, अगर आपने छक्का उड़ा दिया इस गेम में तो कमेंट कर दीजिएगा दिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर ले हम क्या करने वाले, इस चार समीकरणों को समीकरण नंबर एक में रखेंगे, तो समीकरण एक जरा याद कर लीजिए क्या है, तो ये धुआंधार तरीके से छक्का आपने उड़ा दिया और हम यहाँ पर फिर से मैच को स्टार्ट कर रहे हैं, रेडी हो जाएं, किसी को एम्पायर नहीं बनाया यहाँ पर, सारे लोग खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि हम एम्पायर हैं, हम बस खड़े होकर देख रहे हैं मैच, खेलना है आपको। यहाँ पर आप आते हैं, आगे बढ़ते हैं, समीकरण एक में समीकरण चार का मान रखने पर, ठीक है, क्या बन जाएगा जब हम समीकरण एक में चार का मान रख देंगे, कुछ नहीं बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा आई प्लस में आई टू एंड माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्लियर। अब दोस्तों अब हम आते हैं न्यूनतम विचलन में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो अपवर्तनांक हम निकालने हैं वह न्यूनतम विचलन के लिए निकालना है, तो न्यूनतम विचलन में क्या होता है वो जान लेते हैं, फिर आई और आर ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस एक और वर्ड लिखना है आपको सेंटेंस, वो है कि न्यूनतम
विचलन की स्थिति में देखिए न्यूनतम विचलन अगर आपको नहीं पता तो देखिए न्यूनतम जब विचलन होता है प्रकाश का मतलब कि ये डेल्टा का मान अगर आप कम से कम रखोगे तो उसके लिए आपको ये I और ये I2 दोनों को बराबर करना होगा, ये R1 और ये R2 इन दोनों को भी आपको बराबर करना होगा, बस यही। तो आपका डेल्टा मीन कब होगा, न्यूनतम विचलन कब होगा, जब I बराबर हो जाएगा I2 के और R1 बराबर हो जाएगा आर टू के, ठीक है। बस यही रिजल्ट हमें यूज करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समीकरण हमारा ये था, ये आया फाइनली, इसमें आप आई आई टू को बराबर रख दीजिए तब डेल्टा की जगह डेल्टा मीन हो जाएगा। फिर दोस्तों आई आई टू दोनों को बराबर करेंगे तो ये दोनों बराबर है, ये भी आई है ये भी आई हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टू आई हमारा ये बन जाएगा और माइनस में ए हमारा चली रहा है। हमें यहाँ से सबसे पहले आई का मान मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखिए आई का मान हमें चाहिए तो पहले ए को उधर करेंगे, ए वाले चाचा को उधर भेजेंगे तो ये डेल्टा मीन में आकर जुड़ जाएंगे, ए इधर आकर जुड़ जाएगा और फिर दो से डिवाइड कर देंगे। देखिए कई लोग डायरेक्ट नहीं समझ पाते, पहले ए को उधर करके डेल्टा मीन में जोड़ दिया, ठीक है। अब आई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आई का वैल्यू जब आप निकालोगे कैसे निकालोगे, दो को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो दो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पर बटे में टू आ गया। तो दोस्तों पहले आपको आई का वैल्यू मिल गया, आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया, आई का वैल्यू बिल्कुल हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आते हैं आर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू आपका आ जाएगा समीकरण चार से, जो समीकरण चार हमने लिखा था ना उस समीकरण चार से हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण चार था कि ए बराबर होता है आर वन प्लस आर टू के, जब आर वन आर टू दोस्तों बराबर करेंगे तो ये जुड़कर टू आर बन जाएंगे, ये जुड़कर टू आर नहीं हो जाएगा, आपको कि बिल्कुल हो जाएगा, जिस तरह आई आई टू बराबर थे टू आई हो गया, इस तरह अगर आर वन आर टू बराबर हो जाएंगे तो टू आर हो जाएगा। फिर यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर भी दो से डिवाइड कर दीजिए, ए बटे में दो हो जाएगा। क्या आपको आर का वैल्यू मिल गया, आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। जब आपको ये भी मिल गया ये भी मिल गया तो अब वेट मत करिए, आप अपवर्तनांक आप इजिली निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तब अंततः स्नेल के नियम से जो अपवर्तनांक हो जाएगा प्रिज्म का वह हो जाएगा साइन आई बटे में साइन आर। स्टूडेंट्स क्या होता है स्नेल का नियम, क्या बोलता है स्नेल का नियम, बोलता है कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो होता है साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। सो यहाँ पर इसी का तो यूज हम करेंगे, आई का मान रखेंगे आर का मान रखेंगे जो हमने निकाला अभी, तो साइन आई का जो वैल्यू आया दोस्तों वो रख दीजिए, मतलब कि आया हमारा डेल्टा मीन प्लस में ए बटे में टू रख दिया, फिर बटे में स्टूडेंट साइन आर मतलब कि बटे में लिखेंगे आप साइन आर, आर का वैल्यू क्या आया ए बाई टू आया, तो यहाँ पर आप रख देंगे ए बाई टू स्टूडेंट्स। तो ये हमारा दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला सूत्र समीकरण जो आप बोल लो। लेकिन अब आ गया तो आप खुश मत होइएगा क्योंकि कल हो सके आप भूल जाओ, लेकिन होगा नहीं क्योंकि हमने इतने आसान तरीके से आपको बताया, लेकिन एक बार आप बाद में कभी टाइम में मिले तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ये जो पूरा हमने तरीका आपको बताया डेरिवेशन का, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों को भी फ्रेंड्स को भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हो सकता है वो भी परेशान हो रहे हों, आप शेयर करके देखिए उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगर आप सभी चैनल पर नए हैं नए स्टूडेंट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिस तरह आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। सो मिलते हैं आपसे एक नए जानदार बेहतरीन और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।